Subscribe to my channel and press the bell icon for more videos. Hi friends, so हमने स्टार्ट किया था लेसन अगेन, तो इसके बीच में एक आधा सॉन्ग्स मैंने डाला था. तो लेसन अगेन कुछ जो है ऑर्नामेंटेशन एंड जो स्पेसिफाई किया था प्रीवियस क्लास में, जो पिछले क्लास में कुछ स्पेसिफाई किया था, तो उस अलंकार या ऑर्नामेंटेशन के बारे में, तीन ऑर्नामेंटेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ऑर्नामेंटेशन स्पेशली जो है एक्सप्रेशन, दैट्स उसका जो इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए लाया जाता है, दैट इज टू एक्सप्रेस द इमोशन, स्पेसिफिक इमोशन ऑफ हैप्पी, लव और दैट काइंड ऑफ इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए ये जो ऑर्नामेंटेशन यूज़ किया जाता है. जैसे हो गया मींट, गमक एंड कंसोर ग्रेस नोट्स. कंसोर ग्रेस नोट्स, मींट मीन्स स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग टाइप, दैट फ्लो फ्लो टाइप, एंड गमक है उसका फास्टेस्ट वर्जन. वो मींट को अगर फास्ट करेंगे तो वो गमक हो जाता है. तो वी विल डिस्कस ईच वन इन क्लियर वे एंड वी विल प्रैक्टिस इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ई बेस का फ्लूट मैंने लिया है. तो सरगम आप लोगों को ऑलरेडी पता है कैसे प्ले करना है. सरगम सरीगम पता नहीं, दैट इज सरगम है. सरगम इन द सेंस जो है मध्य सप्तक का सरिगम पदनिसा. ऑलरेडी मैं क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे को जो हम फ्लूट में मंत्र सप्तक, मध्य सप्तक एंड तार सप्तक, मंत्र सप्तक का पादनी, मध्य सप्तक का सरिगम पदनी एंड तार सप्तक का सरिगम पा, इतना हम फ्लूट में ले सकते हैं. तो सरगम कंप्लीट, सरिगम पदनिस सा कंप्लीट प्ले करना है तो हम मध्य सप्तक का प्ले कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम थर्ड दिस थिंग, दैट मीन्स पदनी सा. ये लोअर पोर्शन का तीनों अंगुली अगर उड़ा लिया, ये नोट जो है ये है सा मध्य सप्तक का. उधर से स्टार्ट होता है सरिगम पदनिस. सरिगम पदनिस. तो कोई भी ऑर्नामेंटेशन या अलंकार जो स्टार्ट करते हैं तो पा से पा भी स्टार्ट कर सकते हैं या सरगम में भी स्टार्ट करते हैं. तो हम सरगम में स्टार्ट कर लेंगे या सरगम में सीख लेंगे वो मध्य सप्तक का. तो नाउ फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कंसोर. कंसोर दैट इज ग्रेस नोट. ग्रेस नोट का मतलब ये है कि एक नोट को टच करके दूसरे नोट में आते हैं, दैट इज वो नोट इम्पोर्टेंस नहीं है जो टच करते हैं. टच करते हैं मीन्स वो सुनना नहीं चाहिए, मगर पता होना चाहिए कि दूसरे नोट का कई एक जो है पोर्शन में टच किया है, मगर एंड जो होते हैं वो नोट हमारे को पता होना चाहिए. जैसे निजा 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 निजा, वो नी जो है वो 5% मतलब उतना ही आपको सुनाई देगा, बाकी सा है. ग्रेस नोट. लोअर नोट
नोट को या अपर नोट को टच करके जो है मेन नोट जो बजाते हैं। तो स्ट्रेस किस में होना चाहिए? मेन नोट। इसमें अगर सा है तो ये नहीं होना चाहिए, निसा निसा नहीं, सा सा। वेरी माइन्यूट पोर्शन ऑफ नी एंड कंप्लीट पोर्शन ऑफ सा, निसा। तो सेम जो है हम प्ले कर सकते हैं कंप्लीट। उसमें पता नहीं होना चाहिए कि कौन सा नोट आप टच कर रहे हैं और कौन सा नोट में आ रहे। तो आ रहे जो परमानेंटली जो आ रहे नोट, जैसे अभी सा, वही आपको कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, वही नोट प्ले होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कंसोल। तो ये प्रैक्टिस आप एक एक में कर सकते हैं। टू पा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सा टू मीन्स सरगम में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पा टू पा कंप्लीट जो है वो स्टार्टिंग से आप जो है जैसे अभी मैंने दिखाया वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हो गया ग्रेस नोट। ये सॉन्ग में एंड जो है राग में वगैरह जो क्लासिकल सॉन्ग्स में वगैरह इसको यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल फिल्मी सॉन्ग में भी यूज़ कर सकते हैं एंड जो क्लासिकल राग वगैरह आलाप वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मींट। मींट मतलब ग्लाइडिंग, मतलब एक स्वर से दूसरा स्वर जो जाते हैं उसका जो इमोशन जो है उसी में आता है कि हाफ नोट में या फुल नोट में, फर्स्ट नोट टू सेकंड नोट में जब जाते हैं उसका एक मीन्स जो जाते हैं आपको पता नहीं चलता है कि एक नोट से गया करके कैसे गया करके कम्प्लीट उसका हाफ नोट मीन्स वेरी माइन्यूट जो है ऊपर से नीचे जाते हैं या नीचे से ऊपर आते हैं। मींट जो है ऊपर से अपर नोट से लोअर नोट भी आ सकता है, लोअर नोट से अपर नोट भी जा सकता है। तो अभी मींट क्या है, तो मैं अभी जो है पा से करता हूँ आपको, पा दैट इज पा। अभी पदा हम एक्चुअल अगर प्ले करेंगे नोट क्लियर नोट में प्ले करेंगे ऐसे आपको सुनाई देगा। ये जो है तुरंत जो है आपको पास है सडन चेंज दा में जाता है, मगर वो स्लाइडिंग मींट में कैसे जाते हैं वो नोट से भी हो सकते हैं, दो नोट से भी हो सकते हैं, तीन नोट से भी हो सकते हैं। और ये अब डाउन टू अपर मीन्स लो नोट से हाई नोट के लिए बताया, हाई नोट से लो नोट भी हो सकते हैं। जैसे
नोट से भी, लो नोट से हाई नोट में भी जा सकते हैं, हाई नोट से लो नोट में भी जा सकते हैं, दो नोट का भी हो सकते हैं, थ्री नोट का भी हो सकता है, जैसे पासा पासे सा या पासे नी कैसे हो सकता है। या पा सा पदनी सा, तो वो नोट पा से सा कैसे मीन पे जाता है। पा से माँ तक भी जो है बजा सकते हैं, वो जिसका जो ज़रूरत है जिस राग में या जिस सिचुएशन में आपको ज़रूरत है, तो उतना नोट का जो है आप हाई नोट से लो नोट, लो नोट से हाई नोट जो है आप मींड मींड ग्लाइडिंग नोट्स बजा सकते हैं। ये भी जो है क्लासिकल सॉन्ग्स में एक्सप्रेशन जो है फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट हैप्पी सैड जो है दैट काइंड ऑफ राग को एक्सप्रेस करने के लिए एक नोट से जो दूसरे नोट से, ये सब कुछ एक एक ऑर्नामेंटेशन से कोई एक्सप्रेस नहीं हो सकते। उसमें मींड आते हैं, ग्रेस नोट आएगा, गमक आएगा, कड़का मुरकी बहुत चीज़ है, तो अब धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो अभी ग्रेस नोट बता दिया मैंने, मींड बता दिया, तो मींड कैसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है अभी देखना। सा सरी रिगा गमा मा पा पदा दनी निसा सा, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। तो इतना जो स्पीड में आप और प्रैक्टिस नहीं करना, आप जो है प्रैक्टिस ऐसे कीजिए सरगम में, का प्रैक्टिस। तो आप जो है प्रैक्टिस करते हैं तो स्लाइडिंग स्लाइडिंग ऐसे ऐसे बंद करके ऐसे निकलना चाहिए, ऐसे ऐसे जो है वो स्लाइड होना चाहिए, एक एक नोट का स्लाइड होना चाहिए, तभी वो आएंगे स्लाइड। तो हर एक नोट में ये जो है इसे प्रैक्टिस करना मींड। अभी मींड का एक स्पेशलिटी यह है कि मींड हाई नोट से लो नोट में भी जा सकते हैं, लो नोट में से हाई नोट भी जा सकते हैं, जैसे ये मींड हो गया। मींड में क्या है, जो स्टार्टिंग नोट एंड एंडिंग नोट 50-50 सुनाई देते हैं आपको, 50% 50%। अभी गमक जो है हम ये बोल सकते हैं मींड का थोड़ा फास्टेस्ट वर्शन है, गमक मींड का ही फास्टेस्ट वर्शन है, मगर गमक जो है अपर से लोअर नोट, अपर नोट टच करके लोअर नोट में आता है, लोअर से अपर नहीं जाता है,
अपर नोट से लोअर नोट, अपर नोट आपको 5-10% ये सुनाई देगा, तो वो है गमक का, वो फास्ट भी होना चाहिए। मींट मींट का ही है, मींस स्लाइडिंग है, ये ग्लाइडिंग टाइप है, मगर अपर नोट जो है आपको कम सुनाई देगा। बहुत कम जो है आपको सुनाई देगा अपर नोट। ये जो है थोड़ा स्पीड में मैंने बजाया, मगर इसको जो है आप जो है जब प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें आपको सुनाई देता है कि मैं जो भाका अगर गमक बजता है तो दफा दफा दफा, मगर दा आपको प्रोमिनेंट जो सुनाई नहीं देगा, वो बहुत कम सुनाई देते हैं, 5 या 10%। अभी इसको फास्ट बचाएंगे तो कैसे लेंगे आप मींट को या गमक को, देखिए आप। तो इनिशियली आपको जो है स्ट्रोक उधर ही देना पड़ेगा, देखो कैसे स्ट्रोक देंगे, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपर नोट को बहुत कम स्ट्रेस देते हैं, और जहाँ पहुँचते हैं जो लोअर नोट उसी में हम एंड होके वही प्ले करते हैं। तो वो पहले स्टार्टिंग में ऐसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ये आएगा, तो ये ऐसे नहीं आना चाहिए, दपा दपा नहीं आना चाहिए। ऐसे प्रैक्टिस करना है, ये हायर नोट को जहाँ आप स्टार्ट करते हैं वो 5-10% ही सुनना चाहिए, और जहाँ एंड होते हैं जिसका जो है गमक हम प्ले करते हैं वो मैक्सिमम सुनना चाहिए। तो ये स्ट्रोक में स्ट्रोक भी उसमें देना चाहिए जो आप जो है एंड करोगे, एंड करोगे, ये है दपा दपा दपा, इधर नहीं आप स्ट्रोक नहीं देना, इधर जब पहुंचते हैं तब स्ट्रोक देना। तो इसमें आपको जो है पा टू पा या सरगम में भी सेम जो है वही प्रैक्टिस करना है, मगर गमक में यही है, हाई नोट से लोअर नोट ही जा सकते, दफा दास टच करके पा का, ठीक है, नी दा, तो मींड मींड के जो है जस्ट लाइक मींड, इट विल नॉट कम फ्रॉम लोअर टू हायर, मींड कैन बी प्लेड इन हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, बट गमक इज ओनली फ्रॉम हायर टू लोअर, सो दिस इज द डिफरेंस। एंड इसका फास्ट
तो अभी आप जो है मैंने बताया प्रैक्टिस करना है इसे। एक एक नोट का 16 टाइम, फिर उसके बाद जो है 12 टाइम, फिर 10 टाइम, 8 टाइम, ऐसे ऐसे कंप्लीट प्रैक्टिस करते जाओ। एक आधा घंटा, एक घंटा जो है प्रैक्टिस डेली करो, तभी आ जाएंगे। तो ये हुआ आपका जो ग्रेस नोट, मींड एंड गमक। इसमें शायद कोई डाउट नहीं होगा। ग्रेस नोट या कणसुर, वो है टच करके जो है हायर या लोअर नोट को टच करके मेन नोट में जाता है, तो वो सुनते नहीं है। जो उसका प्रोमिनेंट, उसका जो है ज़्यादा नहीं होता है जो जिस नोट को हम टच करते हैं। जैसे सा, ग्रेस नोट जो सा है मेन नोट। उसका कैसे, उसका ग्रेस नोट कहाँ टच करते हैं? निसा निसा। मेन नोट ही हमारे को सुनाई देते हैं, मगर ऊपर या अपर या लोअर नोट को टच करके जो है छोड़ के तुरंत जो इमीडिएटली मेन नोट में आता है उसको ग्रेस नोट बोलते हैं। मींड हो गया जो है स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग टाइप। नोट से लोअर, लोअर नोट से अपर, कितना भी नोट ऊपर, कितना भी नोट का भी मीट प्ले कर सकते हैं। गमक है, गमक जो अपर नोट से, अपर नोट टच करके लोअर नोट में एंटर करते हैं। तो अपर नोट हमारे को अपर से लोअर ही होता है गमक, तो हम सुनाई नहीं देते। 5% अपर नोट का, फिर बाकी हम तुरंत जो टच करते हैं लोअर नोट को। तो इसमें ये स्पीड के साथ बजाना चाहिए, गमक स्पीड के साथ। तो ये पार्ट पा, नेक्स्ट पार्ट पा जो है ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हो गया आज का हमारा जो लेसन। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, ये नॉर्मल अपना जो है अलंकार के साथ जो है अलंकार भी प्रैक्टिस करना, फिंगर जो मूवमेंट्स फास्ट करना, तभी आपको जो है ये जो ऑर्नामेंटेशन आपको काम आएंगे या प्ले कर सकते हैं। तो ये तीन ऑर्नामेंटेशन हो गया, जिसमें नॉर्मल, इसमें नॉर्मल म्यूजिक में या सॉन्ग में या क्लासिकल म्यूजिक में वगैरह काम आते हैं। तो ये स्पेशली डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन, सब कुछ जो है मींड का मकड़ का मुर्की, ये सब कुछ मिक्स करके प्ले करते हैं, तभी उसका इमोशन एक्सप्रेस करते हैं। फील सैड, हैप्पी, व्हाट और जो जो फीलिंग है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप व्यू कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अगले जो है क्लास तक। थैंक यू, जय हिंद।